आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ई विद्यावाहिनी में बच्चों का प्राप्तांक जोड़ें। बच्चों का प्राप्तांक ई विद्यावाहिनी में कैसे जोड़ेंगे आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। चैनल पे आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल या क्रोम। गूगल या क्रोम में जा करके आपको लिखना होगा ई विद्यावाहिनी। ये सब सारी प्रक्रियाएँ आपको पता है। क्रोम या गूगल में जा करके ई विद्यावाहिनी लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो खुलेगा इंटरफेस, उसमें सबसे ऊपर में ही रहेगा वेलकम टू ई विद्यावाहिनी लॉगिन। तो आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है, वेलकम टू ई विद्यावाहिनी लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन पे जाइएगा आप, एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको मिलेगा एक, देखिए ये वाला एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको तीन चार चीज़ें जो भरनी होगी। सबसे पहले तो सेलेक्ट यूज़र टाइप में जाएंगे आप। यहाँ स्कूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएगा इंटर यूज़र आईडी, यहाँ पे यूडाई सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंटर पासवर्ड। सब स्कूल का अलग अलग पासवर्ड होता है, तो अपना पासवर्ड जो होगा वहाँ डाल देंगे। उसके बाद एक मैथ प्रॉब्लम देगा, इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जोड़ घटाओ गुना भगा इत्यादि हो सकता है। यहाँ तक सारी प्रक्रिया आपको पता है। आप पर डे जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। उसके बाद आप साइन इन करना है, साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन जैसे करिएगा, उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। ये मान लो जो आपका मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे एक जो आपके मोबाइल के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए थ्री लाइन मिलेगा। थ्री लाइन को जैसे ही टच करेंगे तो बहुत सारा वहाँ ऑप्शन आएगा। आपको उन ऑप्शन में से चुनना है स्टूडेंट एक्टिविटी। जैसे चुनिएगा फिर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो आपको जाना है, आपको चूँकि मार्क्स भरना है तो स्टूडेंट असेसमेंट में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको खुलेगा एक इंटरफेस। जो इंटरफेस होगा, मान लो जी ये आपका फ़ोन है, यहाँ पे देखिए दो बटन आएगा, ऐड बटन और व्यू बटन आएगा। तो आपको टच करना है ऐड बटन पे। जैसे ही टच करेंगे तो एक और इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि बहुत सारा डाटा रहेगा। आपको मुख्य डाटा में बताऊंगा क्या क्या आपको भरना है। एकेडमिक ईयर यहाँ पे भरेंगे, जो भी आपका एकेडमिक ईयर है 22-23, 21-22, जो भी आपका होगा 20-21 एकेडमिक ईयर, जिस एकेडमिक ईयर का भरने कहा जाएगा वो एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास को सिलेक्ट करें, क्लास 1-7, किसी भी क्लास को आप सिलेक्ट करिएगा, जिस क्लास से आप संबंधित हैं उस क्लास को सिलेक्ट करिएगा। चूँकि 1-7 तक का एग्ज़ाम हो चुका है, 8 क्लास का एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो 1-7 तक का भी भरना है। इसलिए क्लास में जा करके 1-7 जो क्लास आपको भरना है उस क्लास को टच करेंगे। फिर आता है सेक्शन, तो सेक्शन में ABC जो भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलता है उस सेक्शन को आप टच कर लेंगे, है ना। उसके बाद आता है, देखिए इसके बाद आता है, दो तीन चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे आता है। इसके बाद आएगा आपको सेलेक्ट सब टर्म। यहाँ जानना सीखना जरूरी है कि सब टर्म है क्या। देखो सब टर्म है कि परीक्षा जो हुई कौन सी परीक्षा हुई। सेलेक्ट सब टर्म में आना है, परीक्षा जो हुई वो कौन सी परीक्षा हुई। देखिए टर्म 1 रहेगा जिसमें कि FA1, FA2, SA1 रहेगा। FA1 रहेगा 10% का, FA2 रहेगा 10% और FA3 रहेगा 30% का, सॉरी। और टर्म 2 रहेगा, टर्म 2 में FA3 10%, FA4 10% और SA2 30%। तो जो एग्ज़ाम का मार्क्स आप भर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम का मार्क्स आप भर रहे हैं उसको आप टच करेंगे। मान लो FA1 आप भर रहे हैं 10% का, तो इसको टच कर देंगे। तो जैसे ही टच करिएगा उसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ID और आधार नंबर। अब चाहे तो स्टूडेंट ID और आधार नंबर से भी आप खोल सकते हैं, बच्चों का आधार नंबर से या बच्चों का स्टूडेंट ID से। लेकिन अब इनसे नहीं खोलना चाहते हैं, पूरा डिटेल आप खोलना चाहते हैं तो आप जाएंगे सीधे सर्च पे। सर्च जैसे करेंगे तो आपके क्लास का सभी बच्चों का नाम आ जाएगा, और जैसे ही नाम आएगा वहाँ पे आप दाएं बाएं कर करके उसमें देखो सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, और स्कूल का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो भी उसमें लिखा होगा। तो आप दाएं या बाएं खिसका करके स्क्रीन को, और स्क्रीन पे दाएं बाएं कर करके आप उसको किसी एक बच्चे को भर सकते हैं, उसको टिक कर देंगे। एक बॉक्स मिलेगा उसको आप टिक कर देंगे और उन बच्चों का भर लेंगे। जैसे ही भरा जाएगा
तो आप जो है सो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है सो वो अपलोड हो जाएगा मार्क्स। और यदि किसी बच्चे का कुछ गलत भरा गया तो उसको रीसेट करना चाहें तो सबमिट के बगल में ही एक बटन है रीसेट, इसको आप कर लीजिएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगी यदि कुछ गलती होता है तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे बच्चों का जो है असेसमेंट करना है, उनके प्राप्तांक जो प्राप्त हुए हैं वो भरना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।